चुनाव विशेष 2019 नाम का एक कार्यक्रम है हमारा, जिसमें हम जनता के सवाल सीधा हम आपसे पूछेंगे। हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, हमारे दर्शकों ने भेजा सवाल, सवाल हम आपसे पूछना जानना चाहेंगे, ये जवाब आपसे। सबसे पहले तो हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि राजद में विकास जो है वो कभी सीतामढ़ी शहर में नजर नहीं आता। इस विषय पे आप क्या बोलना चाहेंगे? वो अभी विधायकों में भी काम करते हैं, अभी हर जगह वो हर पंचायत में वो अपना प्रोग्राम के मुताबिक विकास का काम कर रहे हैं। शहर में अभी नहीं मिल रहा है इसलिए कि शहर की तरफ अभी मुखातिब नहीं है, लेकिन वो अब होने वाले हैं। यहाँ भी शुरू कर रहे हैं, वो अपना फंड कहाँ ले जाएगा, विशेष अधिकार हमारे आलाकमान का नहीं, नहीं लोग आप हस्तक्षेप, वो अच्छाई बुराई को वही समझते हैं और वही समझते हैं। तो आप कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं। हमारा तीसरा सवाल है, हमारे दर्शक एक है रोशन मिश्रा और टिंकू खान जी। आप लोगों ने पूछा था कि पार्टी गठबंधन के समय से ही पार्टी गठन के समय से ही सती खान जी जो है वो पार्टी के साथ है, और आप लगभग 4 बार जिला अध्यक्ष भी हैं, 10 बार 10 बार जिला अध्यक्ष हैं, बड़ी उपलब्धि नहीं है, 10 बार आप जिला अध्यक्ष हुए, लेकिन आपको आगे का जो कार्य है, आगे का जो जिम्मेवारी है वो नहीं मिल पा रहा है, क्या वजह है? वो आला का बात करते हैं तो शायद हमको समझते हैं कि मैं अपनी सेवा जो है जनता में कर रहा हूँ, अंदर का रहूँगा, गाँव गाँव घूमता हूँ, जो भी दुख के ये है उनके लेकर के ब्लॉक में लड़ता हूँ, कलेक्ट्रेट में लड़ता हूँ, हर विषय को लेकर के मैं जनता का मैं लड़ता रहा हूँ, लड़ता रहूँगा। और वो आला कमान का अधिकार है कि वो जो समय वो अपना होता दे न दे, वो हमको ये नहीं है, वो आला कमान पीछे। आजकल नेताओं में एक और बात भी हो गई है बड़ी, कि आला कमान के हाथों से कुछ सौंप देते हैं और आला कमान बोलेंगे कि जो नीचे पार्टी के कार्यकर्ता जो चाहे वही होगा। ठीक है सर, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल तो आपसे है ये शराबबंदी को लेकर के, आजकल बिहार में शराबबंदी बहुत शराबबंदी होने के बावजूद शराब रोज पकड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस शराब बरामद कर रही है, तो कहीं कहीं पुलिस पर भी आरोप लगता है कि शराब का मिला जुला असर मिल रहा है पुलिस डिपार्टमेंट से, तो इससे आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि शराबबंदी जब लागू हुई थी तो समय आपकी भी सरकार थी गठबंधन में। ये सही बात है, शराबबंदी समाज में जो आपस में फैमिली फैमिली में लड़ाई होती थी, मियां बीवी की लड़ाई होती थी, घर बर्बाद हो रहा था शराब पीने की वजह से, जिस कारण जो है हम लोगों ने मिल करके ये शराबबंदी की। लेकिन शराबबंदी तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, सही मानों में इसको बंद हो जाने से समाज सुधरेगा, एक्सीडेंट जो रोड पर पी करके होता था वो रोड पर कमी आई है, ये सारी बातें हैं। लेकिन ये सरकार को जो सख्ती से पेश आना चाहिए वो नहीं हो रहा, बल्कि ये समझिए कि होम डिलीवरी किया जा रहा है, पैसा ज़्यादा ले करके आप जहाँ पहले जा कर के शराब जा कर के वहाँ दुकान से लोग लाते थे, अब जो है होम डिलीवरी हो रहा है। और ये जो है मिली भगत है, चाहे उसमें पुलिस प्रशासन हो, एक्साइज डिपार्टमेंट हो या हमारे अफसरान हो, ये सब के मिली भगत से ही
गोरा पकड़ा जाता है वो नॉमिनल पकड़ा जा रहा है, सही मानो पकड़ा जाना चाहिए वो नहीं पकड़ा जा रहा है। पर सर जो आपकी सरकार थी उस वक्त भी तो यही था। नहीं, उस वक्त कुछ सख्ती थी, कुछ डर था, लेकिन अब तो डर एकदम प्रशासन से निकल ही गया हुआ है। अब बगैर घूस के आप में ब्लॉक में अंचल में कलेक्ट्रेट में कहीं भी बगैर घूस के काम आप नहीं कर सकते। यहाँ तक के थाने में FIR लिखाने के लिए आपको पैसा पहले देना होगा, तब FIR। आपकी कभी गए होंगे थाने में तो आपको हो सकता है पैसा देना पड़ा होगा। चलिए हमारा अगला सवाल है मोहम्मद नौसाद जी का है। मोहम्मद नौसाद जी पूछते हैं, बीते दशहरा में जो सर हिंसा हुई थी मीडिया क्षेत्र मधुबनी की तरफ, तो बहुत ही दुखद है और उसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी, सर इस पर कहना चाहेंगे? परिवार वालों से आप लोगों ने मिला भी था क्या इस पर? एक तो ये है कि ये हम लोग प्रशासन भी सुस्ती में रह गए। ये 19 तारीख को ही भसान था, तो भसान बहुत ही आसानी से हो गया, लेकिन 20 तारीख को सुबह में ये हम लोग एक साथ बैठे हुए थे, तेजस्वी जी का प्रोग्राम था, माननीय सीताराम यादव जी, माननीय सुनील कुमार कुशवाहा जी और हम तीनों बैठ कर के प्रोग्राम चेकअप कर रहे थे। उसी बीच खबर हुई कि मधुबन में हिंसा घटना हो रहा है। हम लोग फौरन वहाँ से उठे, मधुबन गांव पहुँचे और वहाँ देखा कि सही में SP वगैरह सब के सब मौजूद थे और सारा इन्वॉल्व जो है बढ़ रहा है, समझे कि नहीं। हम लोगों ने दबाने की, समझाने की तीनों आदमी ने कोशिश की। SP भी बहुत ही मुस्तैद थे, ASP भी वहाँ पर थे और वहाँ पर उमेश झा पहले से, हम लोग से पहले से उमेश झा वहाँ मौजूद थे और ये सारी घटनाएं मेरे सामने हुई। हमने लोगों ने दबा करके मना करके किसी तरीके इसको रोकने की कोशिश की। मुर्गिया चक में ये घटना उसी समय हो रही थी जो आप जैनुल अब्दीन को जो सब वीडियो वायरल हो गया और ये जितने भी अगर चाहे पुलिस प्रशासन उनको पकड़ना कातिल को, समझे कि नहीं, तो वो बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हैं। इसलिए कि वीडियो वायरल है, सभी की तस्वीरें उस पर आ चुकी है और बल्कि वीडियो में वो जितना है सब बातें ये CC कैमरे में मौजूद है। वो जितने मधुबन में या मुर्गिया चक में वो अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो आसानी से किसी भी विटनेस की जरूरत है CC कैमरा और वीडियो वायरल के जरिए ही दोषी को पकड़ सकते। मेरा ये कहना है कि दोषी इसको फंसने में पाए और बेकसूर इसको फंसने में पाए। सर यही है, जैनुल आबदीन से हम लोग गए थे, ये जैसे ही मालूम हुआ वहाँ तेजस्वी प्रसाद जी को, तेजस्वी यादव जी को के वहाँ इस तरह की घटनाएं हो गई, तो वो उनका प्रोग्राम पहले से वहाँ लगा हुआ था, इसलिए उन्होंने फौरन इसको डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष वो आए यहाँ और मेरे साथ वो दोनों आदमी बुढ़ा गए और बुढ़ा में वो पुलिस परिवार से मिले और वहाँ उन्होंने 5,000 रुपया दिया और वहाँ एक जख्मी था उसे भी 1,000 रुपया दिया और उन्होंने कहा कि आपके लिए हम आगे लड़ेंगे, आपको जो कम्पनसेशन मिलना है वो 5,00,000 रुपया वो आपको दिलाने की कोशिश करेगा। और ये जो जले हुए घर थे या जूटा हुआ सलीम जो आपके BJP के वो अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष हैं, उनकी दुकान भी लूट ली गई जूता की और वो बेचारे भी परेशान हाल थे। हमने कहा कि तुम तो उसी पार्टी में हो, फिर तुम्हारी दुकान कैसे लूटी गई? सबसे खैर कोई बात नहीं, तुमको भी ये दिलाने को मुआवजा दिलाने की हम कोशिश करेंगे। और उन लोगों का नाम लिख करके हम लोगों ने DM को दिया और प्रशासन को दिया और उन लोगों का ये उनको मुआवजा मिले। सही बात है कि उस वक्त कुछ अरेस्टिंग जो है राजू पट्टी में भी बेकसूरों का हो गया, जो उसको कोई जीत नहीं, वो बेचारे संलग्न थे उसमें नहीं, वो कहाँ घटना हुई मधुबन में, कहाँ ये हुई, गिरफ्तारी हो रही है राजू पट्टी में, जो गलत हुआ जो उसको
करना चाहिए। जो ये तो मैं सीधे कहता हूँ कि वो दोषी सीसी कैमरे में और सभी जो वीडियो वायरल हुआ उसमें वो पकड़ने के दोषी तो पकड़ा जाएगा खुद ब खुद। वो निर्दोष को जो पकड़ा गया है मैं प्रशासन से कहूँगा कि उनको छोड़ दे, कहा भी हो कि निर्दोष को एकदम आप नहीं पकड़े और जो दोषी उसको छोड़े, इसलिए कि अगला घटनाएं जो घटती, हमने पीस कमेटी में भी इस बात को अगले दफे जब इससे पहले दशहरा के पहले जब बैठक हुई थी उसमें पीस कमेटी में डीएम और एसपी साहब मौजूद थे, हमने कहा कि अक्सर जो है मधुबन में इस तरह की घटनाएं होती है, दुर्गिया चक में घटनाएं, तो उस पर एक्शन लें, लेकिन क्यों नहीं एक्शन लिया गया। बीस को अगर सही मानों में लिया जाता तो इस तरह की घटना नहीं होती। उसके अलावा वो जो है 20 तारीख को एक मूर्ति जो है भसान होता है वो वहाँ पहलेजा घाट, ये जो है समझ में बातें तो उसको लाइसेंस किसने दिया, उसके साथ प्रशासन को उसके साथ पुलिस फोर्स के वो लोग भी जिम्मेदार हैं कि वो लोगों को रूट किया और इसको जो क्यों नहीं एक्शन ले सकते हैं, ये वो ये और उसको जो परमिशन जो है वो पहलेजा घाट जाने का वो डीएम को अधिकार है नहीं, ये 3 जिला क्रॉस करके वो जाता है, 3 साल से जा रहा है, ये बात समझ में हम लोग नहीं आ रही जी। सर इसकी न्यायिक जांच के विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? एकदम इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए जो ये हमेशा क्यों घटनाएं हो रही है मुर्गिया चक और ये मतलब। सर एक और सवाल है सर, हरिशंकर जसवाल जी पूछते हैं आपसे कि अदौड़ी पूरी ताकतपुर जो है जो 3 जिलों को जोड़ता है आपस में, मोतिहारी आक्रोशी पे आए? नहीं वो ऐसी बात नहीं है, वो शमसुद्दीन का इलाका पड़ता है, वो जदयू के वो विधायक वो भी उठाए हैं और हम लोगों के भी जो हम लोगों का समय था उस समय रघुनाथ झा थे, वो लोग हमेशा लड़ते रहे, हमेशा लड़ते रहे और उसके बाद हम लोग की भी सरकार थी उसमें भी आवाज जो है असेंबली या पार्लियामेंट तक में उठाया गया। अकौड़ी पाकर जो है एक शहीदों की जगह रही, ठाकुर नवाब सिंह वो वहाँ शहीद हुए, रामानंद सिंह जी वो ये हुए, ये लोगों का शहीदों की जगह है इसलिए, और वो 3 जिला को वो जो पुल जो है जोड़ता है इसलिए उसका बनना निहायत ही आवश्यक है। आपकी पार्टी क्या कर सकती है इसके लिए? इसके लिए तो हम लोग तो अपोजिशन में हम लोग का आवाज ही असेंबली में उठा सकते हैं, जनता के बीच उठा सकते हैं, उसके अलावा हम लोग को तो अधिकार है नहीं तो बनाना सरकार देगा। सर सीतामढ़ी में अपराध बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, है ना, आप जिस समय सत्ता में थे उस वक्त भी बढ़ रहा था और जब आप नहीं है फिर भी बढ़ रहा है। जिस समय हम लोग थे वो सीमित दायरे में था, लेकिन अब जब से हम लोग की सरकार के वो एकदम विशाल रूप धारण कर लिया और आए दिन की घटनाएं हो रही है, ज़्यादातर हमारे व्यापारी भाई जो हैं ये शहर के भाई हैं वो हैं, उनको जो है वो उनके साथ ये घटनाएं हो रही, दिन धाड़े जो है पिस्तौल मारा जा रहा है, हमारे नौजवान व्यापारी जो हैं और वो सब दुर्घटना हो रहे हैं, ये दिन धाड़े मेजरगंज और ये सुखी और जगह। सर तो आप आरोप लगा सकते हैं नीतीश जी तो उस समय भी थे अब भी हैं? नहीं, लेकिन उस वक्त हमारे साथ थे तो सीमित दायरे में था। अच्छा। अभी जो बीजेपी के साथ आए विशाल ये लिया, इसलिए कि ये हिंसा पर ही ये बीजेपी का विश्वास है, वो जो है आपस में लड़ाने का ही इन लोगों का ये काम है। ये घटनाएं जो घटी है अभी सीतामढ़ी में बीजेपी से पहले भी हम लोग थे, कहा घटनाएं कितनी, दशहरा गुजर गया नहीं गुजरा, और ये बीजेपी के संगत बनाने की वजह से ये घटनाएं एक शहीद भी हो, मतलब आप बोल रहे हैं बीजेपी की वजह से हो रहा है ना। चलिए अच्छी बात है। और आपसे एक अंतिम सवाल आपसे जाना चाहेंगे, सवाल ये है मुंचुन सिंह जी का सवाल है, वो आपसे जाना चाहते हैं कि सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से 2019 में आपका उम्मीदवार होगा कौन? ये हम लोगों का उम्मीदवार तो ऐसे दर्जनों में है जी, लेकिन खास नाम है सीताराम यादव जी का जी, सुखदेव राय जी का। अच्छा। और एक हमारे बाबा है सुखदेव दास जी। अच्छा। उनका भी नाम आ रहा है और दूसरे पार्टी शरद ग्रुप से अर्जुन राय का भी नाम आ रहा है और ऐसे दिलीप राय जो है उनका भी नाम है और एक गुड्डू यादव है आप भूषण यादव जो सैदपुर के उनका भी नाम है, इसलिए अब जिसको भी टिकट आला कमान देगा हम लोग नहीं जान करके उसको जिताने की कोशिश करेगा और ये सीट हम लोग एकदम काफ़ी इससे जीतेंगे, इसलिए कि इसमें प्रोग्राम हम लोग जो है विधानसभा लेवल पर ये कर रहे हैं
सम्मेलन कर रहे हैं, जिसे पुपड़ी सम्मेलन हो गया, बथनाहा सम्मेलन हो गया, बाजपट्टी सम्मेलन हो गया, सीतामढ़ी में सम्मेलन हो गया, और हर जगह सम्मेलन कर रहे हैं, और जनता का उभार हम लोग के तरफ है, हम लोग के प्रति संवेदन। और लालू जी को जो बेकसूर जेल में बंद रखे हुए ये सरकार जो है, ये इसलिए और भी संवेदित हम लोग के साथ। जी सर, पार्टी की जब बैठक होती है ये हमारे आला कमान का एकदम कहना है कि सीतामढ़ी में हम आरजेडी ही लड़ेगा, दूसरे को हम ये नहीं देने जा रहे। फिर ऐसे में अर्जुन राय जी का क्या होगा? अर्जुन राय तो आला कमान जा रहे हैं, हम लोग तो नहीं, हम लोग तो चाहेंगे कि हमारा आरजेडी ही लड़े। हम अध्यक्ष के नाते तो मेरा तो डिमांड होगा, और हम लोग चाहते हैं इसलिए कि हम लोगों ने काफ़ी वर्क किया है, गाँव गाँव पंचायत पंचायत घूम करके काम किया है, आरजेडी के वर्कर हमारे किए हैं, इसलिए हमारा हाथ बढ़ता है। आपसे बातचीत करने के लिए सर एक बात और हम आपसे पर्सनल जानना चाहेंगे सर, तो सफी खान जी जो है वो बहुत ही गंभीर नेता माने जाते हैं, ऐसा क्यों? हम जो है लंग फंड में रहते ही नहीं, और हम जो है एकदम साफ सुथरी अपनी जिंदगी निभाए, और दुख के घड़ी में भी हम जो है खुशी चेहरे से खुशी जाहिर करते हैं, अंदर गम को रखते हैं, ये हमारा स्वभाव रहा है, और दुख धनियों के और गरीबों के साथ हम रहें, उनके दुख दर्द को लेकर के हमेशा लड़ते रहें, और लड़ते रहें या लड़ते रहेंगे, अब तो हमारा उम्र ही ज़्यादा हो गया, तो वसान के इस पर है लेकिन जो सेवा हम तो हो पड़ता है हम करते हैं, आज भी करते हैं, अब पार्टी की भी सेवा करते हैं, जनता की भी सेवा। जी सर धन्यवाद हमें बातचीत करने के लिए। ये थे सफी खान जी जो बता रहे थे कि 2019 के चुनाव को लेकर के राजद की क्या तैयारी है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके इलाके के नेता जो भी हैं उन सब से हम बातचीत करेंगे, हमारे ये कार्यक्रम आप देखते रहिए, चुनाव विशेष 2019। धन्यवाद।